स्कूल के दिन याद है, हसीन दौर था ना। सिर्फ मौज मस्ती, किसी तरह का कोई तनाव नहीं। हालांकि जब शैतानी और गलतियां होती थी तो भैया मास्टर साहब से खूब डर लगता था, क्योंकि उस समय टीचर सजा देने के मामले में बिल्कुल नरमी नहीं दिखाते थे। हाथ से कूटने के अलावा मुर्गा बनाना, बेंच पर खड़ा करना और उंगलियों के बीच पेंसिल फंसा कर हाथ दबाने जैसी तमाम सजाएं हैं जिन्हें 90 के दशक के बहुत से छात्रों ने सहा है। शायद यही वजह है कि जब पब्लिक ने सोशल मीडिया पर वायरल टीचर और बच्चे का यह क्यूट वीडियो देखा तो उनका मन एक बार फिर स्कूल की ओर लौटने को करने लगा। क्या स्कूल के दिनों में किसी टीचर ने माँ की तरह आपको भी दुलार किया है? प्रयागराज के नैनी में रहने वाली विशाखा त्रिपाठी पिछले एक साल से सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में नर्सरी और अपर क्लास को पढ़ा रही हैं। विशाखा त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और टीचिंग के क्षेत्र में आ गई। उनके पढ़ाने के अंदाज की बच्चे के साथ ही साथ अध्यापक काफी तारीफ करते हैं। उनके पढ़ाने का ही एक वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो सितंबर का बताया जा रहा है। उस दिन भी रोज की तरह स्कूल में एक्टिविटीज चल रही थी। उस दौरान टीचर विशाखा त्रिपाठी ने लोअर केजी में पढ़ने वाले अथर्व सेन को बदमाशी करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद विशाखा अथर्व को अनोखे अंदाज में समझा रही है। इसका वीडियो टीचर निशा ने शूट किया। जरा आप भी देखिए इस वीडियो को। विशाखा की साथी टीचर निशा के मुताबिक वह लम्हा बहुत ही मार्मिक था। मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे खींच लिया। जब विशाखा स्कूल के समय में खाली हुई तो उन्हें भी यह वीडियो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया। देखते ही देखते इस वीडियो ने महज 43 दिन में करोड़ों व्यूज बटोर लिए। पहले मैं सबको थैंक यू बोलूंगी कि सबने इतना लाइक किया और अच्छी चीजों को सपोर्ट किया, इतना लाइक किया बच्चे को। इतना बच्चा इतना क्यूट है, जो भी थी सही चीजें थी। कुछ लोग उसको थोड़ा इधर उधर भी घुमा के फेस भी कर रहे हैं वहाँ पे कि ऐसा है वैसा है, तो सर काफी अच्छा भी लग रहा है और जो भी है। अच्छा, आपको लगता है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली में जिस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह सही है? जी सर, कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि टीचर ने बच्चों को मार दिया, उनके कान पे मार दिया, दर्द हो गया, ऐसा कुछ काफ़ी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, देखने को मिलता है। बट मुझे लगता है सर कि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी मन के सच्चे होते हैं, तो उनको मार के डरा के अगर हम पढ़ाना चाहेंगे, कुछ सिखाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से राइटली हैंडल करना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए और अपनी बातों को प्यार से ही समझाना चाहिए, तभी वो समझेंगे, तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। सारे शिक्षकों को बहुत ही प्यार से बच्चों को हैंडल करें, चीज़ों को उनकी बातों को समझें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, देन उसके बाद कोई रिएक्शन लें। और मारना पीटना ये बहुत ही इग्नोर करें, चीज़ों को इग्नोर करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उनको प्यार से लाइटली एकदम हैंडल करें। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाला था, वहाँ से सर ये वायरल हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था, जब लोगों के कॉल्स आने लगी, मैसेजेस आने लगे कि विशाखा आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तब मैंने देखा कि अच्छा ये हुआ। फिर काफ़ी अच्छा भी लगा कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अच्छी चीज़ों को लोग पसंद भी करते हैं। और कुछ लोगों का रिएक्शन काफ़ी अजीब भी रहा, मैंने देखा, कमेंट्स देखे, काफ़ी अजीब कमेंट्स थे लोगों के। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, जो भी है अच्छा करें उसमें, और अगर अच्छी चीज है तो अच्छी चीजों को सपोर्ट करें। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।